हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस वाले बच्चे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेल कांस्टेंट के बारे में। पिछली वीडियो में हमने कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बारे में डिस्कस किया था। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है, मैंने उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से जाकर चेक कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सेल कांस्टेंट को जो है हम इस डायग्राम की हेल्प से समझेंगे। ये हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन दिया हुआ है, इसमें हमने जो है दो इलेक्ट्रोड लगाई हुई है। इसमें एक एनोड है और एक कैथोड है। इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस एल है और क्रॉस सेक्शन जो है ए है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड इज एल एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज ए, देन तो अगर मतलब इसमें बोला है कि अगर इन दोनों का डिस्टेंस एल है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, तो इन दोनों की जो रेशियो होगा वो हमारा सेल कांस्टेंट के बराबर होगा। देन द रेशियो ऑफ लेंथ बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स दैट इज एल एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दैट इज ए ऑफ इलेक्ट्रोड इज नोन एज सेल कांस्टेंट। इट इज नोटेड बाय जी स्टार। सेल कांस्टेंट को जो है हम जी स्टार से डिनोट करते हैं और ये जो है इसकी डेफिनेशन है। अगर आपको पेपर में पूछा जाए कि डिफाइन सेल कांस्टेंट या व्हाट इज सेल कांस्टेंट, तो आप बोलोगे कि द रेशियो ऑफ लेंथ बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स द एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड इज नोन एज सेल कांस्टेंट। कि जो दो इलेक्ट्रोड्स के बीच का डिस्टेंस जो एल है उसकी और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए की जो रेशियो है उसको जो है हम सेल कांस्टेंट बोलते हैं। इसको डिनोट करते हैं हम जी स्टार से। सेल कांस्टेंट हमारा आ गया लेंथ बिटवीन टू इलेक्ट्रोड अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया। तो हमने सेल कांस्टेंट डिनोट किया जी स्टार से। लेंथ होती है एल और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है हमारा ए। मैंने पिछली वीडियो में बोला हुआ था कि अगर आप जो है जो मैंने तीन चार फॉर्मूले आपको बताए हुए थे, अगर आप उनको आप लर्न कर लेते हो, तो आप उनसे जो है बाकी जो इस चैप्टर में जितने भी फॉर्मूले होते हैं आप उनको वहाँ से ड्राइव कर सकते हो। जैसे मैंने बोला था कि इसको आप इस फॉर्मूले को आप लर्न कर लेना। ये है हमारे पास रेजिस्टेंस इक्वल टू रेजिस्टिविटी लेंथ अपॉन एरिया। आर हमारा रेजिस्टेंस है, रो इसको हम रो बोलते हैं जो रेजिस्टिविटी है, एल लेंथ और ए हमारा एरिया। अब आपने अभी ऊपर ही पढ़ा कि जो हमारा रेशियो है लेंथ और एरिया के बीच, वो हमारा सेल कांस्टेंट है जो डिनोट होता है हमारा जी स्टार से। हमने ऊपर ही अभी इसको ड्राइव किया। तो जो हमारा यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो लेफ्ट हैंड साइड में, जब वो राइट हैंड साइड गया तो ये डिवाइड हो की फॉर्म में आ गया, और ये रो है जो राइट हैंड साइड में, जब ये लेफ्ट हैंड साइड में गई तो ये आ गई हमारी डिवाइड की फॉर्म में, क्योंकि हम मल्टीप्लाई में थी ना ये। तो यहाँ पर आपको पता है हमारा वन अपॉन रो, रेसिप्रोकल ऑफ रो, वो होता है हमारा कंडक्टिविटी, जिसको डिनोट करते हैं हम कैपा से, और वन अपॉन आर, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, जो होता है हमारा कंडक्टेंस, जिसको डिनोट करते हैं हम जी से। ये सब कुछ जो है मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा एक और फॉर्मूला ड्राइव हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। थैंक यू।